कोई शराब घोटाला हो गया, और देश की जो जो भी सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इस शराब घोटाले की जांच में लगी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको अब तक तो शराब घोटाले के सब कुछ मिल ही गया होगा, सारा पैसा भी मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकाले क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। कोई चंदन रेड्डी है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है। चंदन रेड्डी को इतना मारा इतना मारा, ये उसकी मेडिकल रिपोर्ट है चंदन रेड्डी की। ऐसा चंदन रेड्डी से ईडी क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी, उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के पर्दे फट गए, उसको किस कागज पे दस्तखत करने के लिए कहा जा रहा था, और उसने झूठ बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने। अरुण पिल्लई हैं कोई, उनको धमकियां दी गई, टॉर्चर किया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन, उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया, कहीं साइन करा लिया, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि मुझे टॉर्चर करके बयान लिया गया। समीर महेंद्रू से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। मनस्विनी से टॉर्चर करके बयान लिया गया, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। भूषण बेलगवी से टॉर्चर करके, ये 5 नाम तो मेरे पास ही है, पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर कर करके बयान लिए गए। ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जितने लोगों को ये बुला रहे हैं सबको मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। ये इनकी जांच चल रही है, इस सारी जांच करने के बाद, 1 साल जांच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है, एक नया पैसा कहां है वो 100 करोड़ रुपया। सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं, मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां, एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हो आए, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में से। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग, सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई हमारी, सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला, गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला, तो पैसा गया कहां, अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां। अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1,000 करोड़ रुपए दिए थे, कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1,000 करोड़ रुपए दिए थे, गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का, कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है मैंने दिए थे, ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे, 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी, जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में। ये इस बात से साबित होता है कि ये पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई, पूरी कॉपी पेस्ट पॉलिसी है, जब पंजाब में लागू की गई तो इस पॉलिसी से 50% रेवेन्यू 1 साल के अंदर बढ़ गया, 50% रेवेन्यू। दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू नहीं की, करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं, क्योंकि पंजाब एक फुल स्टेट है। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं,
मैंने मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे इन्होंने तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अब अगला नंबर आपका है। गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पे मुख्यमंत्री रहे। 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए। जब मोदी जी को फोटो खिंचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेम्पोरेरी क्लास, एक टेंट के अंदर टेम्पोरेरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने लायक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए। और 5 साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उम्मीद दी है, प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद को कुचलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो उम्मीद आगे बढ़े। बीजेपी वाले तो मैं कल से देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यही कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। तो अगर बीजेपी ने सीबीआई को ऑर्डर दे दिए हैं कि गिरफ्तार करना है तो फिर सीबीआई उसको नकार कैसे सकती है, बीजेपी के ऑर्डर तो मानेंगे वो लोग। थैंक यू।